हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक एंड अनबॉक्सिंग। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A10। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ोन की अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो इसमें दिया गया है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले और एक सिंगल कैमरा। की हाईलाइट फीचर की बात की जाए तो इन्फिनिटी वी डिस्प्ले दिया गया है, 13 मेगापिक्सल और 5 MP का कैमरा दिया गया है इसमें, और 3400 mAh की बैटरी, 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ आती है ये। और MRP की बात की जाए तो 9600। और मैंने इसे कितने में परचेस किया ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। चलिए फ़ोन को करते हैं अनबॉक्स। ये रहा एक छोटा सा बॉक्स, इसमें दिया गया है आपका क्विक गाइड और वारंटी कार्ड। फ़ोन को करते हैं फिलहाल साइड में। इसका एडाप्टर का आउटपुट है 5V 1 A, मतलब कि एक स्टैंडर्ड चार्जर दिया गया है इसमें, और USB to Micro USB केबल दिया गया है, और एक छोटा सा सिम एडिटर टूल। चलिए बॉक्स को करते हैं साइड, फोन को करते हैं फटाफट अनबॉक्स। गाइस मेरे पास ये ब्लैक कलर का वेरिएंट है। गाइस आप देख सकते हैं फोन काफी ग्लॉसी है, मतलब शाइनिंग कर रहा है पूरा ये फोन। पीछे में इसका अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात की जाए तो पीछे में दिया गया एक स्पीकर इसका, साइड में दिया गया सिम एडिटर पॉइंट, नीचे दिया गया 3.5 mm ऑडियो जैक, चार्जिंग पॉइंट और एक माइक, साइड में दिए गए वॉल्यूम की और लॉक बटन, और ऊपर भी दिए गए एक छोटा सा माइक। तो चलिए फ्रेंड फोन को करते हैं बूट और देखते हैं इसमें और क्या क्या फीचर्स दिया गया। फ्रेंड्स फोन हो गया फुल्ली बूट। अगर इसकी स्क्रीन की बात की जाए तो उसमें दिया गया 6.2 इंच का HD+ इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी शानदार है। इसकी अगर UI की बात की जाए इसमें दिया गया सैमसंग वन UI। सैमसंग का अभी तक बजट सेगमेंट में सबसे पहला फ़ोन होगा जिसमें सैमसंग वन UI दिया गया है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं सेटिंग की ओर, देखिए इसके सोशल मीडिया में क्या क्या दिया गया है। इसकी UI दिया गया 1.1, जो कि लेटेस्ट वर्जन है अभी सैमसंग की UI की, और एंड्रॉयड वर्जन 9 मतलब अपग्रेडेड पाई दिया गया है। सिक्योरिटी पेज की बात की जाए तो इसमें दिया गया है 1 February, जो कि सही है। और प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें दिया गया है 7884, एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि बजट फोन सेगमेंट के लिए सही है। फ्रेंड्स अगर कैमरा की बात की तो फ्रंट कैमरा दिया गया 5 MP विथ 2.0 aperture, और बैक कैमरा दिया गया 30 MP विथ 1.9 aperture विथ LED flash। तो फ्रेंड टेस्ट करते हैं कैमरा कैसा है इसका क्वालिटी। फ्रेंड्स कैमरा की क्वालिटी काफ़ी सही है, डिटेलिंग काफ़ी सही है इसकी फ्रंट कैमरा की। अगर बैक कैमरा की बात की जाए तो मैंने एक सैंपल लिया है, मैंने पीछे की तरफ लैपटॉप में फोकस किया तो काफ़ी डिटेलिंग काफ़ी सही है इसकी। तो फ्रेंड्स कैमरा काफ़ी सही है इसकी, कोई डाउट नहीं है। फिर अगर इसकी सिक्योरिटी की बात की इसमें फिंगरप्रिंट नहीं दिया गया है, मतलब बस इसमें फेस लॉक दिया गया है, मैंने अपना फेस आईडी इसमें दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स चेक करते हैं, मैं भी नहीं देखा इसमें खुलिए। फ्रेंड्स काफ़ी फास्ट है, मैं देख रहा हूँ खुलिए, अब मैं नहीं देख रहा, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ खुलिए। फ्रेंड्स फेस आईडी काफ़ी फास्ट है। फ्रेंड्स अगर चेक करते हैं इसकी सिम स्लॉट की, जिसमें हाइब्रिड दिया गया है, नॉन हाइब्रिड दिया गया है। फ्रेंड इसमें दिया गया है नॉन हाइब्रिड, मतलब आप 2 SIM कार्ड और 1 memory card लगा सकते हैं, जो काफ़ी ही सही बात है। फ्रेंड अगर फ्रेंड फ़ोन की अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो फ्रेंड फ़ोन काफ़ी सही है इस प्राइस रेंज में। मैंने इसे परचेस किया हूँ 8,490 rupees में, इस प्राइस रेंज में सही है। बट अगर डुअल कैमरा होता तो सही रहता, क्योंकि अभी डुअल कैमरा का ट्रेंड चल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।